मेरा सीधा सवाल यह है, मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वहां पर जिस तरह से शेख हसीना के घर से चीजें लूटी गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी प्रदर्शनी पर लगा दिए, सर इतनी शर्मनाक तस्वीर है वो कि मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूं। उनके कपड़े तक लोग उठाकर निकाल कर ले जा रहे हैं, इट इज शेमफुल। और फिर ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है कि वहां हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हम आरक्षण के खिलाफ इस सरकार को हटाना चाहते हैं, ये तोड़फोड़ करके, ये सामान चोरी करके, हिंदुओं की बस्ती जलाकर, ये कौन सी डेमोक्रेसी बच रही है मुमताज जी? सुचारिता जी, देखिए हम शुरू से और कई बार हमने कहा, जब हमारे देश में भी इंतहा पसंद लोग, शिद्दत पसंद लोग जब सामने आते हैं, तो हम हमेशा हमने लिखा भी कि हिंदुस्तान जो है वो उसका मुकाबला किसी से नहीं है, न पाकिस्तान से, न बांग्लादेश से, न अफगानिस्तान से, न किसी से नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम जब भी कोई गांधी जी को गोली मारता था स्टेचू बना के, तब भी हमने मुखालफत की। जब कोई यहाँ पे अम्बेडकर जी की मूर्तियाँ जब लोग तोड़ते थे, तब भी हमने मुखालफत की कि ये इंतहा पसंदी जो है वो कतई नहीं आनी चाहिए। और हमारे मुल्क को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के राह पे न ले जाया जाए, हमेशा इस हमने मुखालफत की। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये तो कोई ख्वाब न देखे देखे, मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंतहा पसंद लोग यहाँ किसी भी तबके के हों, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, और उन्हें कतई जो है आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हमने एक मिनट हमने किसान आंदोलन में देखा exactly. कि किस तरीके से लाल किले पे जा करके वहां पे झंडा लगा दिया जाता है। yes. ये बहुत ही शर्मनाक था। बिल्कुल. तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए सुचारिता जी, कहीं भी किसी भी, देखिए मजहबी ऐनक से कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक जो पदों पे बैठे हैं लोगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ। कहीं भी अगर ज्यादती हो रही, मैं कह रहा हूं, फिर अगर कोई गांधी जी को स्टेचू ही बना के गोली मार रहा है, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। यस। कोई अगर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहा है, उसको भी उतनी ही सजा सख्त होनी चाहिए। जी, आपने जब वहां किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो मुझे वो तस्वीरें, वो तस्वीरों पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत से लोग कल से, सुशील जी आप देख रहे होंगे, जीडी बख्शी सर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं करने लग रहे हैं, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। यहां पर ऐसे आंदोलन हमने देखे, अब वो किसान आंदोलन के नाम पर जो ट्रैक्टर लेकर लाल किले पर चले गए, वहां पर जिस तरह हिंसा हुई, और फिर कुछ लोगों ने कहा हम तो संसद में जाएंगे, ये सब एक तरह का थ्रेट है, ये दिखाने की कोशिश कि भाई ये देखिए, ये जो सरकार है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो सरकार ही नहीं है, ये तो चुनी हुई सरकार नहीं है, ये भी तो एक बार बार कहा जा रहा है। और कुछ लोग विदेश भी जाके कहते हैं क्या, हाँ देखिए, एक एक मिनट, मैं आ सकता हूँ? बख्शी सर बोलिए। नहीं, ये अच्छा, थैंक यू। देखिए, क्या मैदान रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, क्या ऑरेंज रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, क्या अरब स्प्रिंग क्या एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी, ये सब CIA की ऑर्केस्ट्रेटेड जो है मूवमेंट, उनके स्टार्ट किए हुए डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन्स थे फॉर रेजिम चेंज। मुझे हैरत है कि विवेक, जो कि अमेरिका की इसके लिए हिमायत कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि क्या हुआ सोवियत संघ के साथ? ना, आपको बिल्कुल नहीं कर रहा सर, ईस्टर्न यूरोप नहीं कर रहा क्या हुआ? बिल्कुल नहीं कर रहा। CIA ने क्या, मैं तो बहुत खुश हूं कि आज आप मेरी लाइन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं सुचारिता जी, एक मिनट विवेक, एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालात पे है। अभी उसको IMF ने $7 बिलियन का लोन दिया, जिसमें से उसने काफी हिस्सा लगाया है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि ये कैसे इनकी इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हो गई, हमसे कितनी अच्छी हो गई। हम चाहते हैं कि ये जिहादी गदर में फंसे रहे, अराजकता आए है, यहाँ पे टोटल एनआरकी आए, जैसे हमारे मुल्क में हो रही है।
जिस तरह हमारे उनके कोर कमांडर के घर से शुतुरमुर्ग चोरी कर करके और लोग जाके खा गए उनके पीकॉक्स, व्हाइट पीकॉक्स और उनका खोल के फ्रिज खा गए, वैसे ये वही ड्रामा करवा रहे हैं ढाका के अंदर। अभी तो यही नहीं पता चला कि कौन सा फॉरेन हैंड है, और कोई भी फॉरेन हैंड हो। अच्छा, ये आप सुनते नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका की CIA का फॉरेन हैंड है, उसका मोहरा के तौर पे उसने ISI का इस्तेमाल किया। ISI का इस्तेमाल करके, विवेक जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उन्होंने बात कह रहे हैं कि ISI का इस्तेमाल करके अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में हुआ है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कोई भी मूवमेंट, भाई विवेक जी आप एक मिनट रुक जाइए, कोई भी मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट खासकर, क्या वो इतना हिंसक हो सकता है कि लोग पूरी सड़कों पर इस तरह आ जाएं और वो उतारू हो हिंसा के लिए? वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शेख हसीना चली गई और वो जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारे हमारे देश में जिसकी सरकार हमें नहीं चाहिए थी वो चली गई, या इन्होंने हम पर जबरदस्ती आरक्षण थोपा था हमें नहीं चाहिए थी, वो जश्न मना रहे हैं, वो वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है? ये क्या एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान लगता है सुशील जी? साफ, ये सड़क पर उतरकर व्यवस्था को भीतर से ध्वस्त करने का एक आजमाया हुआ तरीका है, और ये पहली बार हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। हमने देशों में सेनाओं द्वारा तख्ता पलट होते देखा है, शेख मुजीबुर रहमान के घर में जाकर के उसके पूरे परिवार को नष्ट करके तख्ता पलट हुआ था, तब जनता सड़क पर नहीं उतरी थी। लेकिन इस बार देखिए, शेख हसीना वाजिद लगातार प्रधानमंत्री बनी आई रही, चुनाव लड़ती रही, चुनावों में कई बार बायकॉट हुआ, कई बार लड़ करके हार गया विपक्ष, तो इस बार उन्होंने सड़क पर जोर आजमाइश की, सड़क पर जोर आजमाइश की, और इस जोर आजमाइश में उन्हें बाहरी शक्तियों का साथ मिला। पाकिस्तान और ISI शेख हसीना वाजिद के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थी, उनको ये भारतीय समर्थक सरकार लगती थी, भारत के पक्ष की सरकार लगती थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाऊं, बांग्लादेश में BDR होता था, बांग्लादेश राइफल्स, वो जैसे हमारा BSF है, वो उनकी सीमा का सुरक्षा करता था। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश राइफल्स ने एक रिवोल्ट किया बांग्लादेश के अंदर, और इसी शेख हसीना वाजिद ने उसको भंग किया, उस पूरे के पूरे पैरामिलिट्री फोर्स को डिसॉल्व किया, उसमें ISI की घुसपैठ थी, ये वही BDR था। ऐसे और भी बहुत से सैन्य संस्थान हैं बांग्लादेश की सेना में जिसमें ISI की घुसपैठ है, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश की आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी एक ही आर्मी थी, उनमें लगातार कॉन्टैक्ट्स थे, उनके बहुत से सीनियर जनरल्स एक साथ उस आर्मी में आए और काम किया उन लोगों ने। एक 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 प्रेम कुमार जी ने एक सवाल पूछा है, मैं उस सवाल पर कर्नल लैंड से एक जवाब रिएक्शन लेना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अमेरिका में, अब ये देखिए बांग्लादेश की आग कैसे अमेरिका भी पहुंच गई, बांग्लादेश ये तो दूतावास है, उसमें हंगामा हुआ, न्यूयॉर्क में बांग्लादेश एम्बेसी में प्रदर्शनकारी घुस गए, और वो जिद क्या कर रहे थे कि मुजीबुर रहमान की जो फोटो है वो वहां से हटानी है। जरा तस्वीर दिखा दीजिए, वो न्यूयॉर्क में जो बांग्ला एम्बेसी नहीं, बांग्लादेशी एम्बेसी, प्लीज इसे ठीक करिए, न्यूयॉर्क में जो बांग्लादेश की एम्बेसी है वहां पर ये घुस गए और ये जो हंगामा कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, देखिए ये वहां घुसे, जी जी जी, वो यहाँ घुस गए और वो कह रहे थे मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाइए यहाँ पर, सुरक्षा नहीं है वहाँ। हाँ, अब देखो दूतावास में घुस रहे हैं लोग, सोचिए एक सेकंड, दूतावास में लोग घुस रहे हैं और ये अमेरिका उसको सुरक्षा नहीं दे रहा है, ये असाधारण स्थिति है ना, कि न्यूयॉर्क में किसी दूतावास में कैसे लोग घुस सकता है, सामान्य सी बात है। और ये बता रहे हैं, मैं दो तीन लाइन बोलता हूँ, सुशील बोलेंगे। देखिए ये जो प्रेम जी ने जो सवाल उठाया है, अमेरिका और भारत के संबंध का ये अर्थ नहीं है कि अमेरिका बांग्लादेश में हमारे नीति के अनुसार चलेगा और उसकी नीतियां वैसी, यही सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी बात सुनो, अमेरिका एकमात्र देश था जिसने अवामी लीग के सांसदों के वीजा को प्रतिबंधित कर दिया, कहा कि बांग्लादेश शेख हसीना त्याग पत्र दे, इंटरिम सरकार में चुनाव हो। और यहाँ देखो विडंबना देखिए, चीन यद्यपि शेख हसीना के विरुद्ध था, लेकिन भारत और चीन दोनों इसके विरुद्ध खड़े हुए कि ये त्याग पत्र नहीं देंगे और अमेरिका के दबाव को अस्वीकार किया है। तो ऐसे अनेक प्रमाण है जिससे पता चलता है कि अमेरिका वहां क्या भूमिका निभाना चाहता था।